देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे, देश मेरे, मेरी शान है तू। आज SSCGD नागपुर से दिल्ली पैदल मार्च के 9वें दिन हमारे एक और साथी की गंभीर हालत हो चुकी है। बहुत ही ज्यादा गर्मी और असहनीय दर्द के कारण हमारे साथी बेहोश की हालत में है। हमने आपका एक ही रिक्वेस्ट है कि हम आपसे हर जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं, आज देश के युवा हर जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं सर कि आप हमें मतलब हमें अपना हक दे दीजिए। 68 किलोमीटर पैदल मार्च, भूखे पेट, 50 डिग्री टेम्परेचर, आग बरस रही है साहब, बरस रही है आसमान से, और ये बच्चे ऐसे ना, ये हमारा हिंदुस्तान तो नहीं है, ये हमारे सपनों का हिंदुस्तान, ये अमृतकाल तो नहीं है साहब। पीड़ा महसूस हुई आपको? पीड़ा आपका जो ये कष्ट है, जो पैदल चल रहे हो इतना गर्मी में, जो आप संघर्ष कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत है तो करो, नहीं तो हम आपको सामान्य तरीके से भी, देखिए चावला जी ने आपको लीड लिया है और ये एक बहुत बड़ी बात है। देश में आपकी जैसे समस्या सैकड़ों हैं, जो कोई ना कोई चैनल नहीं उठाता, कोई किसी मीडिया पे नहीं आता और आदमी पिसता रहता है, तो हम तो इनको मुबारकबाद देते हैं कि देश की ऐसी समस्याओं को उठाकर लाए हैं, और हम आपको चैनल पे बाधा कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं हम आपको करके देंगे। ये सोच के देखिए इस बात को, मैं पर्सनल सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं जानता हूं अगर ये आपकी बच्ची बैठी होती उनके साथ में, फिर आप तो बीजेपी के नेता, मैं जानता हूं, बहुत पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं मैंने आपसे, दुख होता कि नहीं होता सर आपको? देखिए तिलक जी, मैं पार्टी के ऊपर से जाके ऊपर पार्टी के लाइन से ऊपर उठ के बोल रहा हूं, हम ऐसे भी ऐसे किसी भी पीड़ा के साथ हैं, और अगर मैं इनकी मदद कर सकूं तो मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूंगा, मुझे और मैं इनकी मदद करूंगा भी है। आप मदद करने के लिए तैयार हैं? आप इनकी ऐसी मदद करिए ना जो समस्या का समाधान हो जाए। सिर्फ इतना बता दीजिए इनका कसूर क्या है, चार साल से कसूर क्या है, मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि सिर्फ इतना बता दो कि भैया इनका ये कसूर है, 4 साल से इन्होंने मेडिकल लिखित परीक्षा की दौड़ निकाली, मेडिकल किया, 4 साल से ये बेचारे बच्चे धक्के खा रहे हैं, ये हम विश्वगुरु बन रहे हैं, अमृतकाल है ये, संजय जी समझ रहे हैं आप, बच्चे सड़कों पर चल रहे हैं, क्या है क्या कमियां है मुझे जानकारी नहीं है, ये जानकारी किसी को नहीं है साहब, ये जानकारी किसी के पास नहीं है। मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूं कि इनको पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं है, ये दिल्ली आए हम इनकी मुलाकात करवाते हैं। अच्छा पैदल सर, ये तो अनशन पर बैठे रहे बेचारे, और मैं ये चैनल पे बोल रहा हूं तो पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं, आज ये अनशन पर बैठे, मैं जानता हूं वो जो पत्रकारिता धर्म छोड़ के जो धर्म के ठेकेदार बन गए, मेरे मित्र, मेरे साथी मित्र बोलते हुए मुझे शर्म आती है, धर्म के ठेकेदार ऐसे करके राष्ट्रवाद के नाम पर, ये राष्ट्रवाद ये है, राष्ट्रवाद ये है, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं वो हिंदू मुसलमान वाली डिबेट नहीं करवाता, मुझे गर्व है इस बात का, मैं आग नहीं लगाता, मैं आग बुझाने का काम करता हूं, ये लड़के जो राष्ट्रवाद असली ये है, ये सड़कों पर जा रहे हैं अपनी नौकरी के लिए कि इनको वर्दी मिल जाए, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, राष्ट्रवाद के नाम पर चैनल चलाने वाले इनकी नहीं सुनते, मालूम है आपको इनकी पीड़ा, 1068 किलोमीटर पैदल यात्रा, समझ रहे हैं आप? वही रामदास जी आठवले माननीय सामाजिक न्याय मंत्री, उनके घर के सामने अभी भी बैठे हैं सर, और उन बच्चों को अभी धमकाया जा रहा है सर कि आपके पीछे पुलिस प्रशासन लगेगी, लाठीचार्ज होगा, आप उठ के जाइए। तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ सर कि आप, उन्होंने हमारा आमरण उपोषण तोड़ा, तो उनकी भी जिम्मेदारी होती है ना सर कि कहीं ना कहीं 1.5 महीने के अंदर हम लोग की अमित शाह जी के साथ मीटिंग करवाए, तो ये मीटिंग हो क्यों नहीं रहे सर? IPL देखने के लिए अमित शाह जी के पास टाइम है सर, किसी के मुलाकात करने जवाब देना पड़ेगा आपको, और लेकिन ये देश सेवा करने के लिए हम लोग ये पैदल मार्च कर रहे हैं, उपोषण पर बैठ रहे हैं, इन युवाओं के साथ बैठने के लिए उनके पास टाइम नहीं है सर? आखिर वो देश सेवा या देश के मुद्दे पर सीरियस है कि नहीं है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही सर। वो लड़के वहां बैठे हैं, हम लोग लड़के रास्ते पर मर रहे हैं, आज हमारे पैर देखिए सर, मैं दिखाता हूँ, पैर दिखाइए, ये देखिए सर, हमारे तीनों पैर देखिए सर, 3-4 ही पैर है सर, हम लोग आज भी यही पे बैठे हैं सर,
ये पैर पे छाले आए हैं, पैर सूजे पड़े हैं, शर्मनाक है और दर्दनाक है। देश सेवा करने के लिए जा रहे हैं सर। देश का युवा अगर इस कदमों में चल रहा है तो दर्दनाक है। मैं एक तथ्य आपके सामने रखता हूं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सदन के भीतर जब उनसे पूछा गया कि कितने पद खाली हैं सेना में, तो उन्होंने क्या जवाब दिया संजय जी, मैं आपके सामने रखता हूं। सेना में इस वक्त उनके मुताबिक यानी सरकार के मुताबिक, हमारी और आपकी सरकार के मुताबिक 1,11,093 पद खाली पड़े हैं। उन्होंने बताया विभाग अनुसार बीएसएफ में 28,926 पद, सीआरपीएफ में 26,506 पद, सीआईएसएफ में 23,906 पद, एसएसबी में 18,643 पद, आईटीबीपी में 5,784 और असम राइफल में 7,328 पद। सर ये पद खाली पड़े हैं और ये बच्चे सड़कों पर हैं, ये पद खाली पड़े बच्चे सड़कों पर हैं, समझ रहे हैं आप? अभ्यर्थी सड़कों पर है जो पास कर चुके हैं, मेडिकल निकाले, परीक्षा निकाली, सब कुछ, लेकिन ये सड़कों पर है, पद खाली है, मैं ये कह रहा हूं बस। चावला जी, आज आपने इनको कुछ किया ना किया, लेकिन इस कड़ी धूप में थोड़ा सा अमृत देने का कार्य जरूर कर दिया है। आप इस तरह का सवाल मीडिया नहीं उठाती है, हम भी मीडिया के अंदर रहे बरसों से, हम भी जानते हैं लोग तड़प रहे हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है, और आपने इनकी आवाज उठाई है, इनको इनका प्रतिफल दिखेगा, मिलेगा, और ये आपको धन्यवाद कहेंगे। अगर मैं देखिए मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे से जितना मैक्सिमम होगा, मैं संजय जी अगर इनको आप कह रहे ना अमृत, इनको अगर न्याय मिल जाएगा ना, न्याय मिल जाएगा, मैं यहां से मैंने कभी किसी सरकार को थैंक यू नहीं बोला, आप भी जानते हैं, चाहे वो चंद्रमोहन शर्मा जी बैठे हो सत्ता पक्ष में या आप बैठे हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ पहली बार नियम के अपने पत्रकारिता धर्म को तोड़ते हुए मैं उस सरकार को थैंक यू बोलूंगा अगर इनको न्याय मिल जाए, मैं थैंक यू बोलूंगा इस मंच से मेरा, आपको धन्यवाद, मेरा शत प्रतिशत प्रयास रहेगा कि हम इनके चेहरे पे मुस्कान वापस लाएं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। सच बोलता हूं ठोक बजा के, मुझे ना आपसे कोई लेना, ना बीजेपी से कोई लेना, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से, ये अगर कसूरवार आप ये कह रहे हैं कि सत्ता है तो इसके कसूरवार उतने आप भी हैं। विपक्ष होने के नाते सिर्फ ट्वीट कर देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि मैंने ट्वीट कर दिया, हमारे बड़े नेता ने ट्वीट कर दिया तो मामला खत्म। चंद्रमोहन शर्मा जी अगर इतनी पीड़ा है तो 5 किलोमीटर इनके साथ चल के दिखा दो मुझे, अगर इतनी पीड़ा है मैं बताता हूं कैसे होगा समस्या का समाधान। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो ये बच्चे ट्विटर पर भी हैं, ये फेसबुक पर भी हैं, ये यूट्यूब पर भी हैं। मेरी बात को एक बार फिर से नोट कर लेना, जिस दिन प्रियंका गांधी या राहुल गांधी इन बच्चों के साथ खड़े हो गए और 5 कदम चल लिए तो ये मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अगर इतनी पीड़ा, अगर मैंने गलत बोला है तो बोलो चंद्रमोहन शर्मा जी कि तिलक चावला तुम गलत बोल रहे हो, सिर्फ 5 कदम चल दो इनके साथ, सिर्फ 5 कदम बोल रहा हूं, 5 कदम चल दो, ये लड़की बैठी हुई है बच्ची, इनके साथ 5 कदम चल दो, मैं मान जाऊंगा। तिलक भाई, जो वेदना और पीड़ा आपकी वाणी के अंदर है उसी का मैं स्वागत करता हूं। और देखिए आपने एक मुद्दा उठाया है, वो अनदेखी पत्रकार मीडिया की भी कह लिए, हमारे भी कह लिए कि हमारे संज्ञान में मुद्दा नहीं आया, ये दर्द देश के